सुपर टेस्टी जूसी चिकन रेसिपी विदाउट लेमन। आपने लेमन के साथ तो जूसी चिकन की बहुत सारी रेसिपीज देखी होंगी, ट्राई की होंगी, लेकिन आज हम पहली बार विदाउट लेमन आपके लिए जूसी चिकन की कंप्लीट रेसिपी लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। हमने 1 kg चिकन लिया है, आप देख सकते हैं चिकन के पीसेस को हमने नॉर्मल कट करवाया है और इसे अब मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हमने रेड चिली पाउडर और ये जीरा गोल की पाउडर है और जीरा गोल की पाउडर दोनों मिक्स है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें यूज़ करेंगे हल्दी पाउडर और इसके साथ स्वादानुसार नमक, क्योंकि नमक हम आगे भी डालेंगे तो हल्का ही नमक दें, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यही वो समय है जब लोग जूसी चिकन बनाने के लिए इसमें लेमन का इस समय यूज़ करते हैं, लेकिन हम लेमन का यूज़ नहीं करेंगे, हम विदाउट लेमन बनाएंगे। और अगर आपको लेमन यूज़ करना है तो आप कर ले यार, लेकिन विदाउट लेमन में भी बहुत लाजवाब जूसी चिकन रेडी होती है। तो बस मैरिनेट करके उसे 10-15 मिनट छोड़ दें, उसके बाद कढ़ाई में तेल ले लें और तेल को गर्म करके बस अपने गर्म तेल में सारे मैरिनेटेड चिकन को डाल देना है एकदम अच्छे से। सारे मैरिनेटेड चिकन को डालकर इसे एकदम अच्छे से चला चला कर पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे हम, आप देख सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें, बहुत ही इजी और सिंपल वे में हम जूसी चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आप देखें चिकन को एकदम अच्छे से पलट पलट कर हमने फ्राई किया है, बस 10 मिनट के बाद का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं हड्डी भी निकल रहा है पीछे से हमारा। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो इन सबको अच्छे से छान कर हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, अपने कढ़ाई से सारे चिकन को 1 by 1 जितना आए उतना छान छान कर हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा चिकन है बिल्कुल रेडी हो चुका है, फ्राई हो चुका है। तो जूसी चिकन फ्राई आप इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये देखिए हमारे पूरे चिकन फ्राई हो चुके हैं, हड्डी आप देख सकते हैं कैसे निकल चुका है, लेग पीस का हड्डी, तो आप समझ सकते हैं हमारा कितना परसेंट चिकन पक चुका है। अब उसी गर्म तेल में हम लहसुन ले लेंगे, लहसुन की कलियों को हमने थोड़ा काट लिया है, उसके बाद अदरक को हमने कद्दूकस कर लिया, अदरक भी हमने डाल दिया और ये कुछ हरी मिर्चियाँ हमने ली हैं, इसे भी काट कर एकदम अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और इसी स्टेज पे जीरा गोल की जो साबुत जीरा गोल की है उसे भी हम डाल लेंगे, आप इसे पहले भी डाल लें कोई इशू नहीं, आगे पीछे कभी भी डाल लें, लेकिन सबको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें प्याज ले लेंगे। आप देखिए हमने 1/2 kg से ऊपर का प्याज लिया है 1 kg चिकन के लिए। अब देखिए सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा नमक ले लेंगे, नमक हमने चिकन में भी यूज़ किया है और मसालों के साथ भी देंगे, तो उसी अंदाज से आप प्याज के लिए नमक ले लें और प्याज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने दें। बिल्कुल इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जब हमारा प्याज होने लगे तो बस हमारा प्याज एक तरीके से रेडी हो चुका है। तो इसमें अब हम हल्दी पाउडर फिर से ले लेंगे, हल्दी पाउडर के साथ हम इसमें फिर से जीरा गोल की पाउडर का यूज़ करेंगे, लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। अब देखें सारे मसालों को डालकर फिर स्वादानुसार नमक, अब ये फाइनल नमक है हमारा। अब देखें सबको अच्छे से पका लेना, बस मसाले और प्याज बिल्कुल इस तरीके के हो जाएं। तो अब इसमें अपने फ्राइड चिकन को डाल देंगे अच्छे से और सबको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाले और चिकन को एकदम अच्छे से मिक्स करके इसे मुश्किल से 10 से 15 मिनट पकाना है। और बस उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे अपना ये पैकेट वाला चिकन मसाला, हमने 2 पैकेट चिकन मसाला लिया है, दोनों पैकेट को हम डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस फाइनल हमारा आप गरम मसाला इसमें जाएगा। और गरम मसाला जाने के बाद इसे 2 मिनट बस रखना है मिक्स करके सबको आग पर, उसके बाद का नज़ारा आप देख सकते हैं। हमारा जूसी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है विदाउट लेमन। अगर आप चाहें तो कोरिएंडर पाउडर लीव्स डाल सकते हैं इसमें, बाकी हमारा बिल्कुल ना तो धनिया पत्ता हमने यूज़ किया ना लेमन, और हमारा लाजवाब जूसी चिकन रेडी हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, याद से कर लें।